नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। हरियाणा में भाजपा विधायक का किसानों ने किया विरोध। स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन सेंटर से भगाया गया। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच हरियाणा के कैथल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान मौके पर आने वाले स्थानीय बीजेपी विधायक लीला राम का विरोध किया गया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उनका विरोध किया है। टीएमसी विधायक ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगवाई कोरोना की वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक नियम को तोड़ते हुए दिखे। भाटार विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक ने शनिवार को जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। टीएमसी विधायक ने यहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वैक्सीन लगवाई। कंगना पर लगा कहानी चुराने का आरोप। किताब के राइटर आशीष कौल ने कहा, मुझे धोखा दिया गया है। कंगना ने हाल ही में अपनी नई फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्या की घोषणा की थी। ये फिल्म कश्मीर की एक रानी दिद्या की कहानी है, जो अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जानी जाती थी। कंगना के इस ऐलान के बाद अब जाने माने लेखक और मीडिया कर्मी आशीष कौल ने उन पर उनकी किताब दिड्डा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर से प्रेरित होकर फिल्म बनाने का आरोप लगाया है। जाने वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी क्यों है बेहद जरूरी। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी बताई जा रही हैं। आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से आग्रह किया कि वो वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। व्हाट्सएप वेब भी नहीं सेफ। गूगल सर्च पर दिख रहे हैं यूजर्स के पर्सनल मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप पिछले कुछ दिन से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी विवादों में है। अब एक और जानकारी सामने आई है, ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के यूजर के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल मामला ये है कि व्हाट्सएप वेब यानी कि web.whatsapp के जरिए लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स गूगल सर्च पर उपलब्ध हो रहे हैं। आंदोलन के बीच किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को एनआईए का समन कल हो सकती है पूछताछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ भारत विरोधी संगठनों की ओर से कई एनजीओ को की गई फंडिंग के सिलसिले में है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, शरारती तत्वों की अफवाहों पर ध्यान न दे, संजीवनी का काम करेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत ने इससे पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में कोविड से जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पति ने साथियों के साथ मिलकर किया अपनी ही पत्नी का गैंगरेप। लोहे के दरवाजे से बांध दिए थे पैर। पति पत्नी के अटूट रिश्ते को शर्मसार करता हुआ मामला राजस्थान के जालौर जिले से सामने आया है, जहां पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद की पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया। बिल गेट्स बने अमेरिका के सबसे बड़े किसान। 18 राज्यों में खरीदी 2,42,000 एकड़ जमीन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर खेती की जमीन खरीदी है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिल गेट्स अमेरिका के 18 राज्यों में कुल 2,42,000 एकड़ खेती की जमीन के मालिक हो गए हैं। इतनी अधिक जमीन खरीदने के बाद बिल गेट्स अमेरिका में खेती वाली जमीन के सबसे बड़े मालिक हो गए हैं। अमित शाह कर्नाटक पहुंचे, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कोर कमेटी की लेंगे मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो बेलगावी जिले में एक सियासी रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह कर्नाटक के शिमोगा जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की एक नई बटालियन परिसर की आधारशिला रखेंगे। रोहित शर्मा एक बार फिर गैर जिम्मेदारन शॉट खेलकर अपना विकेट गवा बैठे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पहली बार के 369 रनों के जवाब में भारत अच्छी शुरुआत से वंचित रह गया। भारी बारिश के कारण चाय के ब्रेक के बाद खेल नहीं हो सका।
व्हील चेयर पर बैठकर जाती दिखी प्राची देसाई। एयरपोर्ट से फोटोज हुई वायरल। एकता कपूर के टीवी सीरियल कसम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्राची देसाई इन दिनों बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों से दूर हैं। शनिवार को प्राची देसाई को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट के अंदर जाते देखा गया। प्राची को ऐसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद क्या करें क्या ना करें। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। वैक्सीन आने से कोरोना का डर तो खत्म होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। आपकी छोटी छोटी गलतियां कोरोना महामारी को फैलने का मौका दे सकती हैं। गया में पति को रास्ते से हटाने के लिए टीचर ने दी थी सुपारी। प्रेमी संग मिलकर कराई हत्या। बिहार के गया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक कार से एक युवक का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि पति की हत्या के पीछे शिक्षिका ही मास्टरमाइंड निकली। उसने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या करवा दी। प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते हुए नाबालिग छात्र ने की आत्महत्या। स्कूल में थे 7। बिहार के गया में एक नाबालिग स्कूली छात्र पर प्यार का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपनी प्रेमिका के सामने लाइव वीडियो कॉलिंग कर फांसी लगा ली। इंदौर में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत फिर टली। केस डायरी लेकर कोर्ट नहीं पहुंची पुलिस। मुनव्वर फारूकी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विवेक तनखा पेश हुए थे, लेकिन तुकोगंज पुलिस द्वारा केस डायरी पेश नहीं किए जाने के बाद जमानत पर सुनवाई 1 सप्ताह तक टल गई है। रूस से महामिसाइल S-400 हासिल करने में टांग अड़ा रहा US। कहा, कूटनीतिक टकराव की आशंका है। भारत अरबों रुपए की लागत से रूस से 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत पर इस डील को रद्द करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत को US के साथ कूटनीतिक टकराव रोकना है तो उसे डील को रद्द करना चाहिए। टीकाकरण शुभारंभ के दौरान बलरामपुर अस्पताल में मौजूद रहे UP के CM योगी आदित्यनाथ। देश में 306 वैक्सीनेशन सेंटर पर आज कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बलरामपुर अस्पताल में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। CM योगी ने बताया कि इससे पहले देश में 3 चरणों में ड्राई रन सफलतापूर्वक चलाया गया। मैं फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़।